हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। और अपडेट कुछ इस तरह से है कि दोस्तों, एक सऊदी अरेबियन एक कंपनी है, यानी अरब देश की एक कंपनी है जिसका नाम है मादेन। दोस्तों, एक माइनिंग कंपनी है और ये फॉस्फेट प्रोडक्ट और अमोनिया के जो प्रोडक्ट हैं वो सब बनाती है। इस कंपनी ने हमारे कंट्री के साथ और हमारी कंट्री की जो बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है उनके साथ चार अलग अलग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOUs साइन किए हैं। और इन MOUs के तहत ये कंपनी ये दावा कर रही है कि ये हमें हमारे देश को और हमारे देश में जो बड़ी कंपनी है, फर्टिलाइजर्स कंपनी है, उन सबको फॉस्फेट प्रोडक्ट और अमोनिया प्रोडक्ट सप्लाई करेगी। और इस ऐसा करने से इस कंपनी का जो इन प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो लगभग दोगुना हो जाएगा। और इससे डायरेक्ट फ़ायदा होगा इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को या इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को। और जो डील है दोस्तों, ये डील नेक्स्ट ईयर यानी 2023 से एक्टिव हो जाएगी, या फिर ये जो एग्रीमेंट है 2023 से शुरू हो जाएगा। और इस एग्रीमेंट को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है दोस्तों, उसमें इस एग्रीमेंट के तहत जो इंडियन पोटास कंपनी है इस कंपनी के साथ ये शेयर करेगी, ये जो सऊदी अरब की मादेन कंपनी है, ये फॉस्फेट और अमोनिया प्रोडक्ट शेयर करेगी। फॉस्फेट प्रोडक्ट ये इंडियन पोटास कंपनी लिमिटेड के साथ शेयर करेगी, यानी कि एक्सपोर्ट करेगी या इनको देगी। और दूसरा दोस्तों, इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि जो अमोनिया से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के साथ शेयर करेगी। इसके साथ ही दोस्तों, इंडिया की दो बड़ी कंपनी है, फर्टिलाइजर कंपनी है। पहली है दोस्तों कृषक भारती कोऑपरेटिव कंपनी लिमिटेड, और दूसरी है दोस्तों कोरामंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। इनके साथ ये कंपनी फॉस्फेट प्रोडक्ट और अमोनिया प्रोडक्ट शेयर करेगी, या फिर इन कंपनियों के साथ अपने प्रोडक्ट देगी, जिससे कि इन कंपनियों को फ़ायदा होगा कि इन्हें फॉस्फेट और अमोनिया रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल पाएंगे, ताकि वो आगे चलकर ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ सकें। दूसरा दोस्तों, इस कंपनी के जो CEO हैं रॉबर्ट विल्ट, उन्होंने कहा है कि हम पहले भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ अपनी जो बिजनेस है या फिर एक्सचेंज है प्रोडक्ट्स का वो करते आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पहली बार सन 2011 में करीब 1.7 मिलियन टन फॉस्फेट प्रोडक्ट्स और अमोनिया प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में लॉन्च किए थे, और अब अपने इस जो एग्रीमेंट के तहत ये इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉस्फेट और अमोनिया प्रोडक्ट्स की कमी हो रही थी या फिर शॉर्टेज थी, जैसे कई बार दोस्तों यहाँ पर यूरिया और DAP वगैरह प्रोडक्ट्स की कमी हो जाती है, तो शायद अब वो शॉर्टेज फार्मर्स को देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये अपडेट थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। धन्यवाद।